एवरी वन वेलकम बैक टू रियर डिफाई एंड आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सो लेट्स मो वन द वीडियो एंड एंडेज एम गिव्यू द सेक्सी कर्फ मस्कारा मस्कारा बाई रिवाच यू के एज वी ऑल नो रिवाच यू के आल प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हम सब काफ़ी अर्से से इसको यूज़ कर रहे हैं सो एंड वीडियो आई एम गन रिव्यू द मस्कारा बाय वार्च यू के अच्छा इसका नाम आ, ये क्यों रखा है वो मैं आपको भी बताऊँगी क्योंकि जो इसका ब्रश है वो थोड़ा डिफरेंट थिक है ब्रश इसका जो नॉर्मल मस्कारा के जो ब्रशेज़ होते हैं वो थोड़े से थिन होते हैं ये थोड़ा थिक है जिसकी वजह से आपके आई में बहुत अच्छा कर्व आता है बहुत अच्छा शेप आता है और आपके आई बड़े लगने लगते हैं रिवाज यूके के मस्कारे में और भी वेरिएंट्स हैं और इसके जो प्राइस हैं वो हैं थ्री सेवेंटी फ़ाइव में मैंने इसको बाय किया था और जो इसके दूसरे वेरिएंट से दूसरे मस्कारा हैं वो भी अराउंड थ्री टू फोर हंड्रेड के अराउंड इसके प्राइस हैं अफोर्डेबल हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये मैं अपने आइस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट्स क्या है और किस तरह से इसका कर्वी शेप आता है सो लेट्स मूव ऑन द रिजल्ट्स और इसके दूसरे वेरिएंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके uh, मस्कारा के दूसरे वेरिएंट्स और उसके प्राइजेस सो ये मेरे लशेज हैं विदाउट मस्कारा नाउ आई एम गोना अप्लाई मस्कारा ऑन माई लशेज इट्स गोना मेक माइ लशेज कर्वी so you can see i have applied mascara and you can see the change so you can see the different variants of uh, revard uk mascara if you want to see it properly you can pause the video and uh, see this name ब्लैक इट्स जेट ब्लैक कुछ मस्कारा लाइट ब्लैक होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक होते हैं तो जो आपके लैशेस पे सूट हो यू कैन टेक दैट मस्कारा आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी और फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन Thanks for watching. Allah Hafiz.